असलम स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स गिवन हैं जो किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रा करते हुए जहन में रखने चाहिए पॉइंट नंबर वन इज़ इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट ड्रा करने से पहले प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तमाम स्टेप्स का प्रॉपर डेटा होना चाहिए और ये तमाम स्टेप्स विद डेटा एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए ये शो करने के लिए कि कौन सा स्टेप पहले एवेलुएट होगा और कौन सा स्टेप बाद में मेंवेलुएट होगा नेक्स्ट पॉइंट द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर नीट एंड ईजी टू फॉलो फ्लो चार्ट का हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए फ़्लो चार्ट नीट होना चाहिए क्योंकि फ़्लो चार्ट में हम डिफरेंट सिम्बल यूज़ करते हैं नीट ड्रॉ होने चाहिए और हर एक स्टेप को अंडरस्टैंड करना भी ईजी होना चाहिए देर शुड नॉट बी एनी एम्बिगिटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग में किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए द यूजल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट की यूजअल डायरेक्शन टॉप टू बॉटम होती है आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में एरोस फ्लो शो कर रही हैं फ्राम टॉप टू बॉटम इसके अलावा फ्लो चार्ट इस फॉम में भी ड्रॉ किए जा सकते हैं इस केस में आप देख सकते हैं कि फ्लो लाइंस लेफ्ट से राइट right मूव कर रही हैं यानी कि एग्जीक्यूशन लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है और राइट right साइड पे एंड हो रही है फ्लो चार्ट में बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो टॉप टू बॉटम होता है या लेफ़्ट टू राइट होता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम आ प्रोसेस सिम्बल स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड प्रोसेस सिम्बल प्रोसेस सिम्बल बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप है फ़्लो चार्ट में कैलकुलेशन या ऑपरेशन को शो करने के लिए हम ये सिम्बल यूज़ करते हैं इस सिम्बल के लिए भी एक लिमिट है कि इस सिम्बल में सिर्फ एक फ़्लो लाइन एंटर हो सकती है और एक ही फ्लो लाइन प्रोसेस सिंबल से बाहर निकल सकती है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से फ़्लो लाइन एंटर हो रही है प्रोसेस सिंबल में और राइट right साइड से लीव कर रही है इसी तरह से अगर हम टॉप टू बॉटम वाला प्रोसीजर देखें तो यहाँ पे प्रोसेस सिंबल में टॉप से एक फ्लो लाइन एंटर हो रही है और एक ही फ्लो लाइन लीव कर रही है नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइंस वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट स्टूडेंट्स हमने डायमंड सिंबल डिस्कस किया था डायमंड सिंबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन सिंबल ये बेसिकली कंडीशंस की वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है इसके यूज़ के लिए भी एक लिमिट है कि इस डिसन सिम्बल में सिर्फ एक लाइन एंटर हो सकती है और कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फ्लो लाइंस लीव कर सकती हैं यानी टू पॉसिबल पाथ्स हैं हर एक पाथ की कोरस्पॉन्डिंग एक फ़्लो लाइन है डिसीजन सिम्बल में एक फ्लो लाइन एंटर होती है और दो फ्लो लाइन्स निकलती हैं टू शो दरस्पॉन्डिंग पाथ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिम्बल इन दैट द फ्लो चार्ट हैज अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड टर्मिनल सिम्बल इन टॉपिक ऑफ फ्लो चार्ट टर्मिनल सिंबल इज़ यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट टर्मिनल सिंबल के साथ सिर्फ एक ही फ्लो लाइन यूज होती है अगर टर्मिनल सिंबल फ्लो चार्ट के स्टार्ट पर यूज़ हुआ है तो इस सिम्बल में से एक ही फ्लो लाइन निकलती है अगर टर्मिनल सिंबल फ्लो चार्ट के एंड पे यूज़ हुआ है टू इंडिकेट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट तो इस केस में इस सिंबल में सिर्फ एक ही फ्लो लाइन एंटर होती है नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल वी कैन यूज़ द रिमार्क सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट के स्टेप्स के डिस्क्रिप्शन के लिए हम रिमार्क्स सिंबल यूज़ करते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं यानी इनका सोलूशन फाइंड करने के लिए कोई रोल नहीं होता सिंपली ये हम गाइडेंस के लिए ऐड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हैं तो इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए हम रिमार्क्स सिंबल यूज़ कर सकते हैं इस सिंबल में बेसिकली हम कुछ स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हैं ये स्टेटमेंट्स किसी भी थर्ड पर्सन के लिए जो इस फ्लो चार्ट को यूज़ करेगा हेल्प आउट करेंगी फ़ॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट पॉइंट इफ़ द फ़्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इट इज़ बेटर टू यूज कनेक्टर सिम्बल्स टू रेड्यूज द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड कनेक्टर सिम्बल कनेक्टर सिम्बल बेसिकली फ्लो चार्ट में ऐसे प्रोसेस को कनेक्ट करता है जो रिलेटेड हों या जिनके पैरामीटर्स रिलेटेड हों द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर स्टूडेंट्स बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए हम फ्लो लाइन्स यूज़ करें हम कनेक्टर सिम्बल यूज़ कर सकते हैं इस कनेक्टर सिम्बल की यूज़ से फ्लो लाइन्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है और फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करना ईजी होता है लास्ट पॉइंट इज इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाई पासिंग थ्रू इट विद द सिंपल टेस्ट डेटा नेक्स्ट है कि फ्लो चार्ट को टेस्ट किया जाए फ़्लो चार्ट को टेस्ट करने के लिए फ़्लो चार्ट की तमाम स्टेप्स को एवेलट किया जाता है यूजिंग सिंपल टेस्ट डेटा और इस डेटा की वेरीफिकेशन के बाद फ्लो चार्ट की करेक्टनेस का आइडिया होता है नेक्स्ट टॉपिक इज एडवाटेज ऑफ फ्लो चार्ट पॉइंट नंबर वन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एलगोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर इफेक्टिवली स्टूडेंट्स एलगोरिथम टेक्सुरशन है ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्लो चार्ट में हम इन स्टेप्स को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना ईजी है एज कम्पेयर टू टेक्सचुअल फॉर्म नेक्स्ट एज फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ द डिजाइन डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम्स बिकम्स ईजी स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड द डॉक्यूमेंटेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड डॉक्यूमेंटेशन में फ्लो चार्ट भी होता है फ्लो चार्ट में तमाम स्टेप्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की वजह से ऑपरेशनल प्रोग्राम्स के साथ डील करना ईजी होता है नेक्स्ट पॉइंट द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। फ्लो चार्ट की सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन की वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन करना ईजी है देयर दे द हेल्प द प्रोग्रामर टू पुट एफर्ट मोर एफिशेंटली ऑन द अंडरलाइन प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेजर स्टेप्स हैं वो विक्टोरियल फॉर्म में है हर एक स्टेप की पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन में कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है इस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से प्रोग्राम डिज़ाइन करना ईजी होता है नेक्स्ट द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डी बगिंग प्रोसेस हर एक स्टेप क्लियरली सिंबॉलिक फॉर्म में है और इसी पिक्टोरियल प्रजेंटेशन की वजह से इन स्टेप्स में से एरर्स फाइंड करना और रिमूव करना ईजी है नेक्स्ट आर द लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट्स फर्स्ट वन इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट है ऐसी प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं कॉम्प्लेक्स कैल्कुलेशन होती हैं फ्लो लाइन्स की इंटरसेक्शन होती है जिसकी वजह से फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए फेवरेबल नहीं है नेक्स्ट इफ़ अल्टरनेशन आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन कि अगर किसी स्टेप में एरर अपीयर होती है तो इस केस में दोबारा पिक्टोरी रिप्रेजेंटेशन ड्रा करना डिफ़िकल्ट है